एक नया दिन, एक नया रास्ता। आज की शाम पहाड़ों से दूर मैं प्लेन्स की तरफ बढ़ रहा हूँ। नए स्वाद की तलाश में आज शुरुआत जम्मू से की जाएगी। जम्मू अब सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। जम्मू अपने राजमा के लिए बहुत फेमस है। मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, उसने मुझे बोला कि नंदिनी में एक सरदार जी हैं जिनकी एक छोटी सी हिडन सी सीक्रेट जगह है, एक छोटा सा ढाबा है और वहाँ के राजमा चावल में कुछ स्पेशल है। देखते हैं सरदार जी क्या सर्व कर रहे हैं। सत्याल जी, सत्याल बाजी। और जी यहाँ पे राजमा चावल मिलते हैं क्या? हाँ जी, राजमा चावल देसी घी। मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे बोला कि जब जम्मू जा रहा हूँ कि नंदिनी टनल से 40 किलोमीटर दूर है जम्मू, तो उन्होंने वहाँ पे एक ढाबा है जो सरदार जी चलाते हैं, तो उसने बोला वहाँ पे राजमा चावल जरूर खाना। मुझे ये था कि नहीं, राजमा चावल खाऊंगा तो आपके यहीं आगे खाऊंगा। आपको भी खाना बनाने का शौक है या सिर्फ? नहीं नहीं, मैं खुद बनाता हूँ जी। राजमा की रेसिपी अगर लूंगा आज दे दोगे मेरे को? हाँ जरूर जी, जरूर देंगे जी। ये इस इलाके में नहीं होता राजमा जी, भद्रवा में होता है, वहाँ से हम लाते हैं ये भद्रवाही राजमा। ये सिर्फ पहाड़ी इलाके में उगता है, भद्रवा में, जम्मू में नहीं उगता है। और स्पेशलिटी यही है कि ये हमें दिल्ली में या यूपी में या जब हम नीचे जाएंगे नहीं मिलेगा, ऊपर जम्मू के इलाके में ही ये राजमा मिलता है। तो इसलिए जब भी जम्मू जाते हैं लोग तो राजमा चावल ज़रूर खा के जाते हैं जी। यात्रो आते हैं, वैष्णो देवी आते हैं, इसके जो आके जी जरूर खाते हैं राजमा चावल देसी की, जहाँ की फेमस राजमा जी। तो मैं खा के देखना चाहता हूँ। जरूर जी, जरूर खाएंगे। जिंदर थोड़े चार ले पिछा, बाकी में स्पेशल है। मैं वैसे राजमा चावल का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि हर कोई राजमा चावल अपने घर पे बनाता है, मेरे घर भी हर संडे बनता है, पर इनका जो देसी घी है इसमें वो ही है इसका सीक्रेट। वो जो कच्चे देसी घी का राजमा के साथ ब्लेंड हो रहा है, फिनोमिनल। राजमा को हम लोग रेड किडनी बीन्स भी बोलते हैं इंडिया में, पर ये जो राजमा है पर्टिकुलरली, इससे मेरे को मैक्सिकन बीन्स की याद आ रही है। ऐसा माना जाता है कि ये किडनीज के लिए अच्छी हैं, पर ऐसा नहीं है। दीज आर गुड फॉर योर हार्ट। इनको किडनी बीन्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे आर किडनी शेप। यहाँ के राजमा चावल की बात ही अलग है, एंड क्योंकि मैक्सिकन इसको लेके आए थे तो फर्स्ट चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है मैक्सिकन बीन सैलड। मेरे पास टमाटर है, खीरा है, प्याज है, नींबू है और राजमा तो है ही, पापड़ भी है। तो आई एम थिंकिंग कि मैक्सिकन बीन सैलड तो मैं यहाँ बना नहीं सकता, पर उसका एक इंडियन वर्जन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, इंडियन बीन सैलड बना सकते हैं। और मैं इंडिया में हूँ तो क्यों नहीं, तो टेस्ट करना चाहोगे आप? जी हाँ जी, जरूर। बढ़िया, फिर ट्राई करते हैं। लो जी, इनके पास बॉयल राजमा तो नहीं थे, पर जो राजमा ये बनाते हैं उसी में से मैंने राजमा को जो है छान के उसको वॉश कर दिया है। राजमा के साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। राजमा चावल तो ऑब्वियसली सब लोग बनाते हैं, राजमा को पीस के उसकी पेस्ट बना के ब्रेड पे लगा सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। राजमा की चटनी बना सकते हैं। मेक्सिको में जनरली जो मैक्सिकन बीन सैलड बनती है उसको वो लोग नाचोस के साथ खाते हैं। मैं अब हम इंडिया में हैं तो हमारा इंडियन पापड़ है, उसमें अपने राजमा की सलाद बनाएंगे और ऊपर चीज़ तो नहीं है तो पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पापड़ फ्राइड, ऑलवेज टेस्टी। पापड़ इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए खीरे के जो बीज हैं वो निकाल देंगे, वरना पापड़ गीला हो जाएगा। वेरी सिंपल, क्यूकम्बर्स, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, चिली पाउडर, बेसिक मसाले और गरम मसाला। चाट में नींबू तो जाना कंपलसरी है, राजमा मेन इंग्रेडिएंट। इट्स रेडी, सारी फैमिली है सरदार जी के हमारे साथ। आप लोग भी चखके देखिए, मैंने कुछ नया बनाया है राजमा के साथ। लो लो लो, ट्राई। बहुत बढ़िया बनाया। आप बताओ, आप हो यहाँ के मेन शेफ,
आप जब टेस्ट करोगे तभी फाइनल डिसीजन होगा कि कैसा है। ये नई डिश हमने पहली बार देखी है, जैसे आपने जो राजा में ये मिस किया सलाद बनाया, सलाद बना कर पापड़ में दिया है, यानी पहली बार खाया, बहुत टेस्ट किया जी। मैंने भी राजमा चावल जो आपने मुझे खिलाया देसी घी के साथ जी वो पहली बार खाया, और वो तो ये उससे बेटर नहीं है, पर हाँ कुछ नया किया मैंने बस। हाँ जी जी नया ही है जी। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप अपने ढाबे पे अपने मेन्यू में RRI राजमा सैलेड करके रखना चाहोगे, RRI मतलब रोटी रास्ता इंडिया जी, जरूर लिखेंगे जी, जरूर लिखेंगे, बहुत बढ़िया है। अभी जम्मू का सफर तो सिर्फ शुरू हुआ है जी, पर खुशी की बात यह है कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ नए दोस्त बनते हैं और नए लोग मिलते हैं। इसी तरीके से मुझे आज भी बड़े अच्छे से लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे राजमा देसी घी के साथ खिलाए। आइए मेरे साथ और एक बड़ी बढ़िया सी स्माइल देनी बनती है, हंसी हंसी है। अगर मेरा नाम सारांश है, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे खाने में? एक्चुअली 6 आइटम्स हैं। 6 आइटम। अगर इसको बोलना हो डोगरी में कि ये बड़ा अच्छा दिख रहा है तो मैं कैसे बोलूंगा? बड़ा शैल लब्बा है। बड़ा शैल लब्बा है।